हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मेरी बेटी चैनल पर बोलने वाली है और पास्ता के बारे में बताने वाली है। हे गाइस, तो मेरा नाम श्रेया है एंड मैं आज अपनी मम्मा के चैनल पर वॉइस ओवर देने वाली हूँ। आई डू रन माय यूट्यूब चैनल, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम लोग को मैक्रॉन्स को उबालना है। सो आप देख सकते हो कि पास्ता बॉईल हो चुका है, तो अब मैं चेक कर लूँगी कि ये अच्छे तरह से बॉईल हुआ है कि नहीं। तो बॉईल होने के बाद इसको हम लोग नॉर्मल पानी में रख देंगे ताकि ये नॉन स्टिकी बने। तो पास्ता को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई, और इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल। एंड इसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ चॉप्ड अनियंस। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा भून लेने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ चॉप्ड टोमेटो। ना ये पूरा मैंने एक टोमेटो नहीं डाला है, इसमें बस हाफ टोमेटो का यूज़ हुआ है। एंड ये सब करने के बाद मैं अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। एंड उसके बाद फिर इसमें हम लोग डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार ही डालें, बट मैं यहाँ पर थोड़ा कम डाली हूँ क्योंकि मैगी मसाला में पहले से ही सॉल्ट होता है, और इसमें सॉल्ट हम लोग इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि टमाटर थोड़ा गल जाए। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 पैकेट्स ऑफ मैगी मसाला। तो क्योंकि मुझे स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर 2 पैकेट्स यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद मैं इसे अच्छे तरह से मिला लूँगी, और अगर आवश्यकता होती है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई आपको लग रहा है उसका मसाला, तो इसमें 2 टेबल स्पून्स वाटर आप ऐड कर देना। एंड इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे मैक्रॉन्स, जो कि हम लोगों ने नॉर्मल वाटर में इसको रखा हुआ था। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कि ये नॉन स्टिकी है एंड चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से स्मूदली चल रहा है ये कढ़ाई में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग पास्ता को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला उस पर स्टिक हो जाए और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगे, एंड इसका कलर, टेक्सचर, बाकी सारा चीज़ बहुत ही परफेक्ट हो जाए। तो आप देख सकते हो कलर डिफरेंस, ये बहुत ही अच्छा सा डार्क ब्राउन येलो जैसा इसका कलर आया है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। सो आप देख सकते हो बहुत ही कम वक्त में हमारी स्पाइसी पास्ता रेडी है, एंड आप इसे सर्व कर सकते हो। तो ये मैंने सिंगल पर्सन के लिए बनाया था, अगर आपको आपके पूरे फैमिली के लिए बनाना है तो उस हिसाब से क्वांटिटी ले लें। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो टिल देन, बाय बाय।